66 के ऐसे लोग पर कुछ कहने का विचार किया गया। सर्व धर्मान प्रीतज्ञ माम एकं शरणं व्रज, हं त्वा सर्व पापी हो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसमें चार बात कही। सर्व धर्मान प्रीतज्ञ, संपूर्ण धर्मों को अच्छी प्रकार से त्याग कर माम एकं शरणं व्रज, केवल मेरी एक ही तू शरण आ जा। हं त्वा सर्व पापे भ्यो, मैं तेरे को सब पापों से मोक्षयिष्यामि माफ से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। तो इसमें चार बात कही। एक तो यह बात कही कि सारे धर्मों को छोड़कर, दूसरी बात कही कि तू मेरी शरण आ जा, तीसरी बात कही कि मैं तेरे को सब पापों से छुटा दूंगा, चौथी बात कही कि तू मत शोक कर। तो खास करके सर्व धर्मान प्रीतज्ञ यह विचारने की बात है। यह सर्व धर्मों से स्वरूप से त्याग की बात है, या फल के त्याग की बात है, या आसक्ति के त्याग की बात है, या अहंकार के त्याग की बात है, या और कोई बात है। यो अर्थ ली हो जाए सब धर्म को स्वरूप से छोड़ करके, गृहस्थ के धर्म को छोड़ करके तू सन्यासी हो जा, तो यह युक्ति संगत नहीं है। क्योंकि अर्जुन सन्यासी हो भी नहीं, और होने के लिए पर तैयार तो, किंतु भगवान ने कहीं इस बात को समर्थन नहीं कर। यदि अर्थ लिया जाए कि स्वरूप से सब धर्मों को छोड़ कर करके, और तू मेरी शरण माने, तू मेरी भक्ति में लाग जा, तो यो अर्थ भी ठीक नहीं है। करो धर्म ऊपर से छोड़ करके भगवान की भक्ति को मैं लाग जाऊं, क्यों अर्जुन? जगह जगह भगवान ने यही बात की कि भी शक्ति के लिए तुम्हारे युद्ध के समान और कोई धर्म नहीं है, और तुम युद्ध कर युद्ध कर, यही बात जगह जगह गई। इसलिए क्षत्रिय को जो धर्म है युद्ध करना, जिके ने तुम स्वरूप से छोड़ दे, यह बात है। सो अर्जुन के लिए गीता में कहीं भगवान नहीं कही। ये अर्थ लिया जाओ कि सब धर्म के फल को तू त्याग कर दे, फल शब्द इसके माने ही है। तो दूसरी बात यह है कि फल शब्द को यदि अध्याय किया जाए तो प्रकरण के अनुकूल नहीं पड़े। सर्व धर्मान परित्यज्य को यह अर्थ लियो जा कि इंद्रिया का जो धर्म है, ये इंद्रिया अपने आप में आप बरती है। ये कहा जाता है कि मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ इत्यादि, जो ये मनुष्य ये अपने आरोप है कि मैं करता हूँ मैं करता हूँ, तो ये तुम्हारा धर्म नहीं है, इंद्रियों का धर्म है। तो इंद्रियों पर छोड़ दे कि इंद्रियां ही अपने अर्थ में बरत रही है। इंद्रियां इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरती ऐसी धारणा करके, और नहीं चिंतित करो मिति युग तो मन तत्वित, युग तत्वता ऐसा माना है कि मैं कुछ भी नहीं करता, तो वो प्रकरण भी नहीं है। वो पांचवें जाके आठ और नौ के श्लोक में तो यो अर्थ है, किंतु यहाँ यो अर्थ नहीं है, क्योंकि वो सांख्य योग को मार गए और यहाँ शरणागत को मार गए। तो सर्व धर्मान प्रतिज्ञ को क्या मतलब,
यो मतलब लियो जा सके है कि सारे धर्मों को तू मुझ परमात्मा में अर्पण कर दे, या सारे धर्मों का जो आश्रय है उसका तू त्याग करके केवल एक मेरी शरण आ जा, केवल एक मेरी शरण आ जा। इससे ध्वनि निकलती है कि सब धर्मों की शरण को छोड़ दे, न कि स्वरूप से धर्मों का त्याग कर, अपने अपने मन आश्रम के जो धर्म बतलाए गए हैं उनके अनुसार तो मनुष्य को चलना ही चाहिए। क्योंकि जगह जगह यह बात कही कि तुम तो अपने धर्म का पालन कर, धर्म का पालन करना ही सब सबर करके है। अपने अपने धर्म में रत हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और ये प्रकरण भी है, इसी 18वें अध्याय के 57 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि चित सर्व कर्माणि मई संन्यास मत पर, चित सर्व कर्माणि मई संन्यास मत पर। भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि चित से सब कर्मों को तुम मेरे समर्पण कर दे और तुम मेरी शरण आ जा, मेरे प्राण हो जा, तो मत पर महामेकंक शरणंग ब्रज है। एक ही बात प्रतीत हो, शब्दों को फर्क है कि तू मेरी एक की शरण आ जा और तू मेरे पुरायण हो जा, एक ही बात है। सर्व धर्मान परित्यज्य और देव सा सर्व कर्माणि वही संदेश है, यो भी 100 ही भाव प्रतीत हो। शब्दों को फर्क है, भाव को फर्क नहीं प्रतीत हो। तो सर्व धर्मान को मतलब है शास्त्र विहित सर्व कर्म, शास्त्र के अनुकूल संपूर्ण कर्म। प्रत्येक शास्त्र कर्मानी वही सन्न से चित्त से संपूर्ण कर्मों को तू मेरे में समर्पण कर दे। तो यहाँ यो भाव ठीक है कि सारे धर्मों को या शास्त्र भी तो संपूर्ण कर्मों को मुझ परमात्मा में तू समर्पण कर दे और तू मेरी शरण आ जा। तो परमात्मा के बीच के कर्मों का समर्पण करना क्या है कि जैसे गीता की 9वें अध्याय के 27 के श्लोकों में बताया है कि यत करोषि यद यत करोषि यदस्मासि यज्जु होषि ददासि यत यत तपसि कौन्तेय तत् कुरुष्वमदर्पणम्। अर्जुन तू जो कुछ कर्म करता है और जो कुछ खाता है और जो ये करता है तब करता है दान देता है वह सब तू मेरे में अर्पण कर दे। एक तो ये अर्पण करना है कि कर्म करने के अंत के मां श्री कृष्णार्पणमस्तु वाणी सी थी, अर्म के बीच के मां ये भी ठीक है कि जब वाणी से अर्पण कर देता है तो आगे जाकर के मन से भी ऐसो करने लग जाता है। और हाँ है कि चेतसा सर्व कर्माणि मई संन्यास, इसी प्रकार से थी अपने मन से थी संपूर्ण कर्मों को भगवान के मां अर्पण कर देना। उसका दूसरा ये प्रकार है कि जैसे कठपुतली होती है उसको जिस प्रकार सूत्र धारण चाहता है वैसे ही वो नाचती है। तो इसी प्रकार से थी अपने आप को और अपनी सारी क्रिया को भगवान के समर्पण कर देना, भगवान जैसे करवा वैसे करना। कोई आदमी भूल से ऐसे मान बैठे कि मैं अपने सारे कर्मों को भगवान के समर्पण कर दिया, कर्म अर्पण किए नहीं तो इसके लिए क्या परीक्षा है। तो इसके लिए ये बात है कि जब भगवान के सारे कर्म अर्पण हो जाते हैं तो फिर भगवान की जो आज्ञा है उसके अनुसार ही उसके सारे कर्म होते हैं।
स्वयं भगवान जहां कराने वाले होते हैं वहां उसमें भूल नहीं होती, गलती नहीं होती। जैसे छोटा बच्चा गैग है आदि लिखता है और भूल करता है बार बार, तो गुरु उसके हाथ के ऊपर हाथ रख करके और शुद्ध सो उस लड़के से लिखाता है, लड़के के हाथ से ही कराता है, किंतु वास्तव के उस पर गुरु का हाथ रहता है, उसे भूल होने की गुंजाइश नहीं है। इसी प्रकार से थी भगवान समझो कि हमारे में प्रवेश किए हुए तो है, पर वे हमारे से कर्म करवाते हैं तो उसमें कोई फिर गलती की गुंजाइश नहीं। तो हमारे कर्मों के बीच के वहां जब गलती आती है, गलती का मतलब है कि शास्त्र के अनुकूल जो कर्म है वो तो भगवान के अनुकूल है, वो तो भगवान की आज्ञा है, और शास्त्र के विपरीत जो कर्म है, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना आदि, तो वो एक प्रकार से भगवान का वहां हाथ नहीं है। तो यही उसकी परीक्षा है कि फिर हमारे सारे कर्म शास्त्र के अनुकूल स्वाभाविक ही होने लगेंगे। तो सर्वधर्म परिचय परिमाण अच्छी प्रकार से थी, सब ओर से थी, तो एक प्रकार से सारे कर्मों को अपने मुझ परमात्मा के बीच के वहां अर्पण कर दी, और तुम एकमात्र मेरी शरण आ जा, यानी मेरे स्व और किसी का भी भरोसा मत करना, मेरे ऊपर तू निर्भर हो जा, मैं जिस प्रकार से तेरे लिए करूं उसमें तुम सब प्रसन्न रहे। तो ये बात बतलाई गई कि हमारे ये जो कुछ सुख दुख लाभ हानि आकर के प्राप्त हुए उसमें हमको निर्विकार रहना चाहिए, समभाव रखना चाहिए, यानी जब हम परमात्मा की शरण हो जाएंगे तो एक प्रकार से थी, और परमात्मा पर हम निर्भर हो जाएंगे तो फिर जो भी कुछ आकर के प्राप्त हुए उसमें हमको प्रसन्नता होगी, क्योंकि जो कुछ होता है भगवान का ही विधान है। हमारे द्वारा जितने जो नए कर्म होते हैं वहां भगवान का हाथ है, और पहले के किए हुए कर्मों का हमको जो फल प्राप्त होता है उसमें भगवान का विधान है, इस बात का भगवान का हाथ है। तो नए कर्म करने में और पहला के किए कर्मों का फल भोगने में भगवान का ही सब प्रकार से हाथ है। जब इस प्रकार से थी हम समझ लेंगे तो हर वक्त हमारे को प्रसन्नता रहेगी, शांति मिलेगी, और कोई भी कर्मों के बीच के वहां व्यक्तिगत अपना स्वार्थ नहीं होगा, तो उसमें समता आ जाएगी और स्वार्थ का अभाव हो जाएगा, और हर वक्त समझो कि भगवान की समृद्धि बनी रहेगी, क्योंकि अपने जब भगवान ही उसके द्वारा कर्म कराते हैं और वो भगवान की सब प्रकार से शरण है, तो जिसकी शरण है उसकी तो समृद्धि बनी रहेगी। और शरण का स्वरूप जैसे पूर्व के श्लोक में बताया है ऐसा ही पहले बताया गया है, तो इसलिए उनका ये स्वरूप बताया है कि मन मनाव मद भक्तो मदिया जी मान नमस्कार। और यहाँ भी यही बात बताई है इस गीता के 18:65 के श्लोक में, इसी का नाम शरण है, ये बात वहां बतलाई। 9:32 के श्लोक में तो अर्जुन के प्रति भगवान ने ये बात कही कि मांगी पार्थ विपाश्रित ये भी शुपाप योनय स्त्रियो वैशा तथा शूद्र से पियांति परांगतिम। स्त्री वैश और शूद्र मेरी शरण हो करके परम गति को प्राप्त होता है। स्त्री शूद्र वैश ही नहीं, जो पाप योनि भी क्यों नहीं हो वह भी मेरी शरण होकर के परम गति को प्राप्त होता है। किंतु यहाँ शरण किसका नाम ये बात नहीं बतलाई, इसलिए आगे जाकर के बतलाया कि मन मना भव मद भक्तो मदिया जी मांग नमस्कुरु मामे वैश्य युवती महात्मा अनंग मत पुरायण है।
अर्जुन तू मेरे में मन को लगा, मेरा ही भक्त हो जा, मेरी पूजा कर, मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार से ती मन मुझ में लगाए हुए मेरी शरण होकर के तू मुझको ही प्राप्त होएगा। तो इस प्रकार से थी भगवान ने वहां कहा है। तो शरण के चार प्रकार बतलाए हैं, मन मनाव मत भक्तो वल और मत याजी और मांग नमस्कुरु। वही बात यहाँ भगवान कहते हैं, पूर्वार्ध में कोई फर्क नहीं है। सर्व धर्मान परित्यज्य के पूर्व का जो श्लोक है, एक प्रकार से ये शरण का प्रकार है। और इसके बाद में तो इस प्रकार मेरी शरण आ जा, ये एक आज्ञा का प्रकार का यहाँ संयोग की समाहार किया गया है। मन मनाव मद भक्तो मदिया जी मान नमस्कुरु मा में वैसे सप्तम ते प्रति जाने प्रियोसी में, ये 18 अध्याय 65 का श्लोक है। इसका ये मतलब है कि अर्जुन तुम मेरे में मन को लगा, मेरा भक्त हो जा और मेरी पूजा कर और मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार करने से तुम मेरे को ही प्राप्त होगा, मैं तेरे प्रति सब प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्यारा है। तो अब ये विचार करना चाहिए कि मन मनाभाव का क्या मतलब है कि तू मेरे में ही मन को लगा दे, यानी मन से तू हर वक्त मेरो ध्यान रखे, मेरो समन रखे, मेरो चिंतन कर, मन से तुम मन भूला मत, मेरे में तुम उनको समावेश कर दे। और मत भक्तो भाव का मतलब यह है कि तू जो है मेरा भक्त हो जा, यानी मेरे में प्रेम करने वाला बन जा और मेरी आज्ञा के पालन करने वाला बन जा, मेरी तू सब प्रकार से तेरी सेवा कर। तो मन मना हो मत भक्तो भाव और मदिया जी, यानी तू मेरी पूजा कर। भगवान को एक देश के माँ मान करके पूजा करना या सबके माँ भगवान विराजमान हो रहे हैं ऐसा समझ कर भगवान की पूजा करना, ये अपने अपने पद्धति के अनुसार मनुष्य कर सकता है। यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मात्म धैर्यच सिद्धि विन्दति मानवे। यह भी पूजा भगवान ने बतलाई गीता अध्याय 18 श्लोक 46 के माँ कि जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुई है, जो परमात्मा इस संसार के माँ व्यापक है, उस परमात्मा को अपने अपने कर्मों के द्वारा पूज करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और मांग नमस्कुरु, तू मेरे को ही नमस्कार कर, यानी तू मेरे चरणों में आकर के गिर जा, फिर मैं तेरे लिए जो भी कुछ करूं उसमें तू आनंद का अनुभव कर। तो इस प्रकार से थी ये शरण का प्रकार बताया और इसका ही कहा कि इस प्रकार मेरी शरण होने से तू मेरे को प्राप्त होगा, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। मैं तेरे प्रति सत प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्यारा है। यदि कहो कि भाई एक प्रकार से यह बात भला भगवान कही चुके, फिर क्यों कही? और इसलिए कही कि अर्जुन ने उस वक्त ने गौर करके ख्याल नहीं किया और भगवान को अर्जुन अत्यंत प्यारा था, इसलिए यह बात कही। इसके पूर्व के श्लोक के माँ भगवान ने प्रतिज्ञा भी की है, सर्व कुछ तमंग हुए श्रेणों में परमंग बचे इष्टो श्री में दृढ़ मिति तत्व वक्षा मिते हितम। एक तो बात गोपनीय होती है और एक उससे भी गोपनीय होती है वो गुज्जतर है, और उससे भी गोपनीय होती है वो गुज्जतम है, और ये सबसे बढ़कर के गुज्जतम है। इसी वास्ते यहाँ ये बात कही कि सर्व कुछ तमंग हुए, ये बात पहला मात्रा ने कही है। और तो फिर भी तू मेरे से सुन, ये मेरा जो परम जो वचन है इसको तुम फिर भी मेरे से सुन। भगवान सुन कहते हैं कि यह बात पहला मैं तेरे को कह चुके हो और फिर भी तुम इसको सुन, क्योंकि तुम मुझको अतिशय प्यारा है, यह तेरे हित की बात है, इसलिए मैं इसको कहता हूँ, बार बार कहता हूँ। ये तो कहने की आवश्यकता नहीं, एक बार जब कह दी और तेरे ध्यान दिया या नहीं दिया उसके लिए तू ही उसका जिम्मेवार है। सर्व गुज तमंग हुए श्रीणु में परमंग बचे
सिर्फ कुछ तुम जो बात है तुम मेरी जो परम गोपनीय बात है मेरा परम जो वचन है इसको तुम फिर सुन। इस प्रकार से थी उसकी महिमा गा करके भगवान ने यह बात कही। तो गुजतर किसको कहते हैं कि गुजतर इसके पूर्व में भगवान ने कहा है इति ते ज्ञानमाख्यातं गुज्जात गुज्जतरं मया। ये इतनी ज्ञान की आख्यायिका गुज से भी गुज्जतर जो बात है वो मेरे द्वारा तेरे को कही गई। वो गुज्जतर बात क्या कही कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतो तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। ये गीता के 18वें अध्याय के 62वें के श्लोक में ये बात कही कि अर्जुन जो सबके हृदय के मां निराकार रूप से जो परमात्मा स्थित है उसे परमेश्वर की तू सब प्रकार से शरण जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। तो यह गुज्जतर बात है। और यह जो समझो सब धर्मान ऋतज या गुज्जतम है तो वह गुज्जतर या गुज्जतम कारण तो कारण ये है कि वहां तो ये बात बतलाई जाती है कि परमात्मा सब संसार के मां व्यापक है। ईश्वर सब भूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय के मां स्थित है। सब भूत प्राणियों के हृदय में जो स्थित ईश्वर है उसकी तो सब प्रकार से शरण जा। तो यह बात तो एक हरेक उपदेशा जो है गुरु जो है और समझो कि व्याख्यान दाता है कोई भी ये कह सकता है कि उस परमात्मा की तू शरण जा। किंतु ये थोड़ा कह सकता है कि मैं परमात्मा हूं तू मेरी शरण आ जा। तो स्वयं भगवान अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूं इसलिए तू मेरी शरण आ जा। तो ये अंतरंग बात है गुज्जतम उससे गुज्जतम में भी गुज्जतम है। और ये एक प्रकार से थी आपने कोई ऐसी बात नहीं है कि कहने के बीच के मां तो इसलिए उससे ये बात बढ़ करके है अपना यहाँ परिचय देना है कि मैं एक प्रकार से ईश्वर हूं मैं परमात्मा हूं। तो स्वयं भगवान प्रकट होकर के ऐसा परिचय तो उसको देते हैं कि जो अपना अत्यंत प्यारा भक्त होता है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज केवल एक मेरी शरण आ जा यानी मेरे स्वा और किसी का किंचित मात्र आसरा मत रखना हम क्लास पापे भी हो। और कहते हैं मैं तेरे को सारे पापों से मोक्षिष्यामि मैं छुटा दूंगा। तो मतलब यह है कि अर्जुन के मन में ये भय था कि वो मैं बड़ा भारी सो पाप कर रहा हूं ऐसा पश्चाताप करता था। तो भगवान ने कहा कि नहीं तो यहां जब भगवान की आज्ञा के अनुसार ही चलता है और भगवान को ही अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है तो फिर इसमें तो पाप होता ही नहीं तो सब पापों से मुक्त कर दूंगा ये अप्राप्त का निषेध क्यों। तो कहता है कि अप्राप्त का निषेध नहीं है आज के पहले जितने जो पाप जो कर चुके हैं ना उन पापों के लिए कहना है और अनुसंगिक इसमें भी कोई पाप बनती के आ जावे तो वो वास्तव में पाप ही नहीं है। और यदि अर्जुन उसको पाप माने तो भगवान गारंटी देते हैं कि तू मेरी शरण आ जा फिर मैं तुम्हारे को गारंटी देता हूँ कि मैं सब पापों से तेरे को मुक्त कर दूंगा। भगवान जमा मारी लेते हैं और मां सुचे करके यहाँ एक प्रकार से समाप्ति कर दी आपने प्रकरण की और व्याख्यान की। शरू के बीच के मां समझो की जहाँ उपदेश आरंभ हुआ है भगवान की तरफ से वह अश्वच्छानंद सोचस्तु प्रज्ञावादान से भाष से गता सुन से नानु सोचनती पंडिता। अर्जुन जो शोक करने के योग नहीं है उनके लिए तो शोक करता है और पंडितों के बचनों को कहता है किंतु पंडित जन जो होते हैं जिनके प्राण चले गए उनके लिए भी शोक नहीं करते जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते और तू शोक करता इसलिए पंडित नहीं है। तो यहाँ अर्जुन के दिल के मां शोक था तो वहां भगवान ने यह निषेध किया कि तू शोक करने के लायक नहीं है उनके लिए शोक करता है अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जब मैं एक प्रकार से थी
अपने जिम्मेवारी लेता हूँ तो तुम्हारे को शोक नहीं करना चाहिए, तुम मेरी शरण आ जा और मेरे ऊपर सब भार छोड़ दे, फिर मेरी जिम्मेवारी रही, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, तुम कोई बात से घबरा मत। इस प्रकार यहाँ अर्जुन को कह करके और ये व्याख्यान समाप्त कर देते हैं। तो ये अंतिम उपदेश है और ये भी समझना चाहिए कि सब धर्मांतरित जे माने सारे धर्मों को तुम मेरे में समर्पण कर दे, यानी दुनिया के मां जो दूसरे आदमी धर्म के नाम से व्याख्या करते हैं उनको तुम धर्म मत समझना, मैं जो तेरे को कहूं उसी को तुम धर्म समझ। और ऐसा जब जब भूखा आया है तब तब अर्जुन ने अपने बात को छोड़ करके भगवान ने जो बात कही है उसी को धर्म मान करके उसका पालन किया है।